ईरान के प्राचीन धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र कौन थे? उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पारसी धर्म या जरथुस्त्र धर्म विश्व के अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना आर्यों की ईरानी शाखा के एक प्रोफेट जरथुस्त्र ने की थी। इसके धर्मावलंबियों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। ये धर्म एकेश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को आहुरा माजदा कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र का जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था। ईरान के सिस्तान प्रांत के रेजेस क्षेत्र में, जहाँ खाजेह पर्वत हमुन झील है, वहीं कहीं आतिश बहराम मंदिर के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। पारसी समुदाय द्वारा महात्मा जरथुस्त्र का जन्म दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। जरथुस्त्र प्रेम और दया की साक्षात मूर्ति थे। समाधि से निवृत्त होकर रोगी की परिचर्चा करना, भार पीड़ित पशु का बोझ स्वयं ढोना, वृद्धों को सहारा देना, दृष्टिहीन को मार्ग बताना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना उनकी दिनचर्या थी। जरथुस्त्र के देहांत के बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे फैला। सारे ईरान में ये राज्य धर्म बना। इसके अतिरिक्त रूस, चीन, तुर्किस्तान, आर्मेनिया एवं हिंद कुश तक इसका प्रभाव फैल गया था। जरथुस्त्र को ऋग्वेद के अंगीरा, बृहस्पति आदि ऋषियों का समकालिक माना गया है। एक सोर्स के अनुसार वो ईरानी आर्यों के स्पीतमा कुटुंब के पौरुषस्प के पुत्र थे। उनकी माता का नाम दुधोवा था, जो कुंवारी थी। 30 वर्ष की आयु में जरथुस्त्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु 77 वर्ष 11 दिन की आयु में हुई। महान दार्शनिक नीत्से ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम दी स्पेक जरथुस्त्र था। इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था और दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। माना जाता है कि इस देश को बनाने में भारतीय ऋषि अत्रि का योगदान रहा है। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। जरथुस्त्र ने इस धर्म को एक व्यवस्था दी, तो इस धर्म का नाम जरथुस्त्र या जोराबियन धर्म पड़ गया। ईरान का प्राचीन इतिहास। अत्यंत प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। प्राचीन वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा, सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। वेब दुनिया के शोध के अनुसार जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है, उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश आर्यन या एरियान कहलाता है, जिसके बाद में उसका नाम ईरान बना। ईरान के समान वंशी सम्राटों और अधिकारियों के नाम के आगे आर्य लगता था, जैसे ईरान स्पाहपत, ईरान अंबार कपत इत्यादि। प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ आर्य शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे। प्राचीन सम्राट दारेवहु ने अपने को आर्यपुत्र लिखा है। सरदारों के नामों में आर्य शब्द मिलता है, जैसे आर्य राम्र, आर्यो वर्जिनिस इत्यादि। पारस का नाम पारस कैसे पड़ा, तो आपको बता दें कि प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बटा था, उनमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था, जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पारस पड़ा, जिसका अपिभ्रंश ही फारस है। प्राचीन राजधानी पारस्यपुर थी, जहां पर आगे चलकर इस्तख बसाया गया। वैदिक काल में पारस नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। ये नाम तखामनीय वंश के सम्राटों के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण में इस शब्द का पता नहीं लगता है, पर महाभारत, रघुवंश, कथा सरित सागर आदि में पारस्य और पारसियों का उल्लेख बराबर मिलता है। प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त था। कैस्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता था, जो ऐतरेय ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ का उत्तर मद्र हो सकता था। जरथुस्त्र ने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश दिया। पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता है। एक मत के अनुसार सबसे पहले ये प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था, जिसका देश यहाँ से पश्चिम में था। ये जाति आर्यों से सर्वथा भिन्न सेम की संतान थी, जिसके अंतर्गत यहूदी और अरब वाले हैं। ईरान के प्राचीन राजवंश की बात करें तो इस्लाम के पूर्व ईरान का राजधर्म पारसी धर्म था। ईसा पूर्व 6 शताब्दी में एक महान पारसिक साम्राज्य की स्थापना
पेर्सी पोलिस में हुई, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया। वेब दुनिया के शोध अनुसार इस साम्राज्य का राजधर्म जरतोस्त या जरथुस्त के द्वारा 1700 से 1800 ईसा पूर्व स्थापित हुआ, जिसका नाम जोरोस्ट्रियन था, और इसके करोड़ों अनुयायी रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। अरबों यानी मुसलमानों के हाथ में ईरान का राज्य आने से पहले पारसियों के इतिहास के अनुसार इतने राजवंशों ने क्रम से ईरान पर राज्य किया, जिनका नाम है महाबद वंश, पेश दादी वंश, कव्यानी वंश, प्रथम मोदी वंश, असुर वंश, द्वितीय मोदी वंश, हखामनी वंश, पार्थियन वंश और ससान या ससेनियन वंश। बात करते हैं पहले हमले की, तो सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेडमिक साम्राज्य की राजधानी पर्सेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती हैं। इसे डेरियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे जेरक्सस ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। सन 576 ईसा पूर्व नए साम्राज्य की स्थापना करने वाला था साइरस महान, जो हकामानिस वंश का था। इसी वंश के सम्राट दारेवयूश प्रथम, जिसे डेरियस या दारा भी कहा जाता है, उसके शासनकाल में पारसिक साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल माना गया है। ईसा पूर्व 330 में सिकंदर के आक्रमण के सामने ये साम्राज्य टिक न सका। सन 224 ईस्वी में जोरास्ट्रियन धर्मावलंबी अर्दाशीर प्रथम के द्वारा एक और वंश ससेनियन की स्थापना हुई, और इस वंश का शासन लगभग 7वीं सदी तक बना रहा। इस्लाम की उत्पत्ति के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बर्बर आक्रमण किया और कत्लेआम की इंतहा कर दी। ससेनियन साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सताए जाने से बचने के लिए पारसी लोग अपना देश छोड़कर भागने लगे। एक रिसर्च के अनुसार इस्लामिक क्रांति के इस दौर में कुछ ईरानियों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और वे एक नाव पर सवार होकर भारत भाग गए, तो कुछ तुर्कमेनिस्तान की ओर पलायन कर गए। जो पलायन कर गए उन्होंने ही पारसी धर्म को आज तक जिंदा बनाए रखा है, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए उनकी पीढ़ियों ने पारसी धर्म की अवशेष और इतिहास को मिटा दिया। ज़ोरोएस्टर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, इसके बदले आयतुल्ला रुहोल्ला खोमेनी की तस्वीरें लगा दी गईं। अब ईरान को गैर मुस्लिम मुल्क माना जाता है। इस्लाम के उदय के बाद आदिवासियों को और अन्य आस्था के लोगों के लिए अपने अस्तित्व को बचा पाना आसान नहीं था। इस दौरान कई युद्ध भी हुए। तुर्क और अरबों की फतह के बाद ईरानियों ने शिया मुसलमान बनकर अपने वजूद को बचाया। अंततः एक पारसी देश शिया मुस्लिम बहुल देश बन गया। हालांकि सऊदी अरब वाले अब भी खुद को वास्तविक मुसलमान मानते हैं, जबकि पारसी से मुस्लिम बने ईरान को गैर मुस्लिम, जिनकी मुसलमानों से शत्रुता थी। धार्मिक मतभेद के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच वैचारिक टकराव हर काल में चरम पर रहा। अरब के लोग अन्य मुल्कों के गैर सुन्नी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, खासकर उन्होंने शियाओं को इस्लाम से खारिज ही कर दिया है। कुछ साल पहले ही सऊदी अरब के सबसे बड़े धर्म गुरु मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख ने घोषणा की कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं। अब्दुल अजीज सऊदी किंग द्वारा स्थापित इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग जोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म के अनुयायी रहे हैं। हम लोगों को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्योंकि वो मियाज यानी कि पारसियों के बच्चे हैं। इनकी मुस्लिमों और खासकर सुन्नियों से पुरानी दुश्मनी रही है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।